नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में डॉक्टरों की अलग सी सुविधा मिलेगी। आज हम आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है। राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अगले साल 22 जनवरी को होना है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में लाखों की संख्या में भक्तों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में जहां भक्तों की भीड़ के बीच देश के साथ ही विदेशी मेहमान भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, वहीं प्रशासन अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने पर भी काम कर रहा है। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में आने वाली भक्तों की भारी भीड़ को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से देश भर के मेडिकल कॉलेजों व निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को स्वेच्छा से वहां पर बुलाया गया है और गूगल फॉर्म के जरिए इस पर हिस्सा लेने की भी बात कही गई है। हम आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज व ट्रस्ट में मेडिकल के कई डॉक्टर मौके पर मौजूद रहेंगे और पीयूष को इसकी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में डॉक्टरों की सुविधा वहां आने वाले भक्तों को दी जाएगी। एनजीओ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हम आपको पूरा प्रोसेस के जरिए मैंने आपको बताया किस तरीके से वहां आने वाले भक्तों को इसकी सुविधाएं मिलेंगी। अयोध्या में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवाया जाएगा और मौके की अगर बात की जाए तो अलग सी टीम वहां पर रखी जाएगी, जो कि जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधित शिकायत होगी उनकी अलग से निगरानी की जाएगी और उनका अलग से ध्यान रखने के लिए टीमों को तैयार किया गया है।